नमस्कार, MSW न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को इंतज़ार था, जो पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट है, पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट जो जारी हो चुकी है, लिस्ट जो कल रात को जारी हो गई थी, लेकिन आज दिन में उस लिस्ट को विड्रॉ कर लिया गया था। कुछ कारणों के चलते उस लिस्ट को विड्रॉ किया गया था, हमने आपको वीडियो में कारण भी बताया था। लेकिन अब दोबारा जो है MCC ने वो उस लिस्ट को जारी कर दिया है। वो PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे डाउनलोड करनी है उसके लिए हमने आपके वीडियो में बताया हुआ है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट MCC.gov.in पर जाना है और वहाँ पर आपको जो है डाउनलोड्स के अंदर काउंसलिंग की लिस्ट मिल जाएगी और आपको डाउनलोड कर लेनी है। हम आपको बता दें कि MCC ने एक और अपडेट डाला है कि जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं, उन बच्चों को अब कल 10:30 अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के लिए लिंक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वहां से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और आपके अलॉट किए गए कॉलेज के अंदर जा करके आपकी सीट को बुक हो जाएगी। आपकी सीट पक्की तभी मानी जाएगी जब आप जो वहाँ की फीस है वो पे कर दोगे। और आपको जब जाना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है उस पर हम एक वीडियो बना करके आपको बता देंगे। अब की बार पिछली बार के मुकाबले से जो रैंक है कम गई है, देखा जाए तो नंबर के हिसाब से देखें अगर कट ऑफ में, तो लगेगा कि अब की बार जो कट ऑफ हाई गई है, लेकिन अगर रैंक के हिसाब से देखा जाए तो अब की बार की कट ऑफ कम गई है। उसका कारण यही है कि अब की बार 25% सीटें जो बढ़ गई है ऑल इंडिया के अंदर। ऑल इंडिया कोटा की रैंक जो है जर्नल के लिए भी 10,013 तक चली गई है। यह बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब की बार जो कट ऑफ लिस्ट है और नीचे जाएगी, क्योंकि स्टेट कोटा के अंदर भी जो है सीटें बड़ी है और EWS की भी सीटें बड़ी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको पर जरूर विजिट कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन